हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरुद्दीन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों बैक की कटिंग देखिए पूरी हो गई है, अब चलिए हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। दोस्तों पहले हम नीचे से 1 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच पे हम निशान लगा के अब हम बैग को इसी निशान पे हम रखेंगे। रख के एक इंच पे देखिए हमने इसको रख दिया है। रख के हम एकदम इसको पहले बैग को सीधा करेंगे। सीधा करके आगे से हम पूरा ऊपर से नीचे तक मिला लेंगे। चार 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 बैग हमारी देखिए एकदम ये सीधी रखी हुई है। अब चलिए हम सारे निशान को पहले मिला लेते हैं। एक इंच पे हम और इसे नीचे निशान लगा देंगे। अब हम निशान देखिए लगा के चेक कर लें। अब हम देखिए इसको मिला के देख लेंगे हम निशान एकदम बराबर है कि नहीं। निशान बराबर है, 9 इंच 9 इंच निशान देखिए एकदम बराबर है। अब हम बैक को साइड रख के हम पहले सारे निशान को मिला लेंगे। अब हम आगे से आधा इंच से पहले एक निशान लगा देंगे। ऊपर से नीचे तक आधा इंच पे निशान लगा के हम इसको सीधा कर लेंगे। आधा इंच पे दोस्तों निशान लग गया है। अब हम दोस्तों हाले का निशान लगाएंगे। हाले का निशान देखिए सीने का 8वां भाग रहेगा। तो देखिए 36 के हिसाब से हम निशान लगा रहे हैं तो 36 का 8वां भाग करेंगे 4.5 इंच आएगा। इसमें आधा इंच और ऐड करके 5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये 5 इंच हो गया। अब पहले हम इसको इतना सीधा कर लेंगे। सीधा करके बैग को हम उठा के इस पर हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसको देखिए हम ऐसे रखेंगे। इसको इस निशान को सीधे निशान को इस निशान पर हम ऐसे रख के और यहाँ से हम 2 इंच डाउन करके हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 2 इंच हो गया, ये हो गया 2 इंच, ये हो गया। अब हम ये वाले निशान से 4.5 इंच पे पहले एक निशान यहाँ लगाएंगे, 4 इंच पे यहाँ लगाएंगे और 4 इंच पे यहाँ लगाएंगे। और ये निशान से हम तख्ती का निशान लगाएंगे। सीना देखिए 36 का चौथाई करेंगे तो 9 इंच आएगा। इसमें आधा इंच माइनस करके 8.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए 8.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे ऐसे। और ये सीधे वाले निशान से 2 इंच पर हम एक निशान देखिए ऐसे लगा लेंगे। ये 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे। इसको ये हो गया। ये सीधे वाले निशान से 2 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे। ये 2 इंच हो गया और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा देंगे। ये 3 इंच हो गया। इसको हम ऐसे
सीधा कर लेंगे। आप सीधा ऐसे रख भी सकते हैं और इसको राउंड भी कर सकते हैं। हम इसको राउंड कर लेंगे ऐसे, और ये आगे वाले निशान से पौना इंच पे हम पहले एक निशान ऐसे लगा लेंगे, पौना इंच हो गया। अब दोस्तों जो है हमको सीने का, पेट का, हिप का देखिए निशान लगाना है। तो देखिए कैसे निशान लगाना है। पहले देखिए हम इसको नापेंगे। इसको दोस्तों देखिए कैसे नापना है। ये वाले निशान से, ये वाला निशान हमारा जो है सीने का है, चेस्ट का है। तो हमको देखिए यहाँ से ऐसे जितना इसमें देखिए सिलाई में जाएगा, तीन सूत आगे से छोड़ के हम इसको इंची टेप को ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के और ये नाप लेंगे। देखिए आ रहा है ये 7.5 इंच में, एक सूत कम यानी 7 इंच 3 सूत ये आ रहा है। तो अब हम देखिए यहाँ से 4.5 इंच पे जो निशान जो हमने लगाया है, तो इसको 7 इंच 3 सूत पे जो आया है इसको देखिए ऐसे इंची टेप को ऐसे रखेंगे, रख के इसको ऐसे 35.5 इंच चेस्ट है तो इसका आधा करेंगे तो 17.5 इंच, 17.5 इंच आएगा। तो 17.5 पे हम पहले ऐसे एक निशान लगा लेंगे, ऐसे हो गया। दोस्तों आप समझ गए, पहले हमको इसको ऐसे पूरा जो है नापना है। ये देखिए पूरा जो है 17.5 इंच आ रहा है, इसमें 3 सूत जो है दाब सिलाई में जाएगा, उसको छोड़ के यानी 7 इंच 3 सूत ये बचेगा। तो 7 इंच 3 सूत को जो है हमको इसको पकड़ के इस वाले जो निशान पे इसको हम ऐसे रखेंगे, रख के जितना सीना है उसका आधा करके हम निशान लगा देंगे। सीना 35.5 है तो इसका आधा करेंगे, 17.5 इंच आएगा। तो 17.5 इंच पे देखिए ऐसे निशान लगा दिए हैं। इसी तरह से हमको पेट पे और हिप पे भी निशान लगाना है। पेट पे देखिए ये 6.25 इंच आ रहा है, तो इसमें 6 इंच में एक सूत कम पे हम ये पेट वाले निशान पे 6 इंच में एक सूत कम पे हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, रख के पेट देखिए 35.5 है तो इसका आधा करेंगे तो 17.5 इंच आएगा। तो 17.5 पे हम ऐसे निशान देखिए लगा देंगे। अब हम हिप को भी ऐसे ही नापेंगे। हिप देखिए पहले हम इसे पूरा नाप लेंगे, 6 इंच, 6.5 इंच एक सूत आ रहा है। तो इसका दाब हम निकालेंगे। दोस्तों देखिए ये 6.5 में एक सूत कम आएगा, तो 6.5 में एक सूत कम को हमको यहाँ ऐसे रखना है। ऐसे रख के जितना हमारा हिप है उसका आधा कर लेंगे। हिप देखिए 36, उसका आधा करेंगे, 18 इंच आएगा। 18 पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। दोस्तों अब हम इसको पहले एक हल्का सा ऐसे निशान यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, लगा के फाइनल अभी निशान नहीं लगाएंगे। फाइनल निशान हम ये पूरी ड्राइंग करने के बाद फाइनल निशान इधर का हम लगाएंगे। अब देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक जो है हमको पहले स्केल को ऐसे रखना है। स्केल देखिए हमने ऐसे रख लिया है। स्केल को ऐसे रख के अब हम लंबाई चेक करेंगे। लंबाई देखिए 28.5 इंच है, इसमें आधा इंच और बढ़ा के 29 इंच पे हमको हमें चाहिए। ये देखिए 29 इंच चाहिए आ रहा है। ये लंबाई का निशान एकदम सही आएगा हमारा। अब चलिए पहले हम लंबाई का ऐसे निशान लगा देते हैं, और ये सीधे वाले निशान से 2.25 इंच पे पहले हम एक निशान ऐसे यहाँ लगा लेंगे। अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान देखिए 9.5 इंच पे हम लगाएंगे 9.5 इंच हो गया। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसको
ऐसे ऐसे सीधा करके। अब ये पहला काज का निशान है ये, और फिर यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान ऐसे लगाएंगे, ये दूसरा काज का निशान हो गया। अब हमको ये इसको यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिलाना है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक हमको अब ये निशान लगाना है। ऐसे अब हम ये इसका निशान देखिए हम लगाएंगे, तो हम इसका ब्रेस जो है 2.5-2.25 इंच जितना हमको रखना है उतना हम इसका रख देंगे, तो हम 2.5 इंच रख रहे हैं। देखिए शेप स्केल से ऐसे निशान लगाना है, ये हो गया के बाद 0.5 इंच का इसमें दाब दे देना है, ये हो गया। अब देखिए ये सीधे वाले निशान से 2.25 इंच पहले एक निशान ऐसे लगाएंगे, और यहाँ से 4 इंच पे पहले एक ऐसे निशान लगाएंगे, 4 इंच हो गया। और ये ऊपर की पॉकेट का निशान है, वॉलेट पॉकेट का निशान है। अब हम देखिए इसका आधा करेंगे 2 इंच आएगा, तो ये 2 इंच वाले निशान से हम यहाँ निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 5, इसी को हम ऐसे सीधा लेकर आएंगे, यहाँ एक निशान ऐसे लगा देंगे, और यहाँ से 1.25 इंच आगे एक निशान लगाएंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ से 5.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे पॉकेट का, 5.6 हो गया। अब इसके बाद आगे 0.5 इंच और माइनस करके एक ऐसे निशान लगाएंगे, और यहीं से इसको हम ऐसे आगे सीधा कर लेंगे, एकदम ऐसे सीधा हम ऐसे कर लेंगे ऐसे। अब देखिए इसको हम एकदम ऐसे पहले सीधा ऐसे निशान लगा लेंगे, ये हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसको मिला लेंगे ऐसे, और इसमें 3 सूत का डॉट दे देंगे, ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पर भी जो है 0.5 इंच का देखिए ऐसे निशान लगा देंगे एक, और ये हो गया। देखिए यहाँ से 0.5 इंच का हम ऐसे गैप करके इसको पहले एक ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे शेप स्केल से। अब हम इसके बाद जो है इसकी जो है पूरा लूजिंग नापेंगे। दोस्तों जो है देखिए ये कोड फिटिंग की है, तो हम इसमें देखिए कैसे रखेंगे, ऊपर इसमें टोटल मार्जिंग हम रखेंगे 2.25 इंच, ये 2.25 इंच हो गया, और पेट पे हम 1.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच हो गया, और हिप पे हम 2.25 इंच रखेंगे, 2.25 इंच हो गया। इसको हम ऐसे कट कर देते हैं, ये कट हो गया। अब हम इसी निशान पे हम बैक को नाप के सारा निशान हम इसी निशान से देखिए लगाएंगे, तो देखिए हम कैसे निशान लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए
सवा दो है, यहाँ डेढ़ है, यहाँ पौने दो है। हम इतना अगर रखेंगे तो कोट हमारी एकदम बॉडी फिट आएगी। तो देखिए दोस्तों कैसे जो है निशान लगाना है। सीने पे देखिए ये 7.5 इंच में एक सूत कम था, तो 7.5 इंच में एक सूत कम को हम इस निशान पे देखिए रखेंगे ऐसे रख के। अब देखिए हमको यहाँ तक लेके आना है, तो यहाँ पर जो ये निशान, जो ये सीधा वाला निशान जो आ रहा है, इसमें सिलाई में जितना जाएगा 3 सूत करीब जाएगा। देखिए इतना सिलाई में हमारा ये चला जाएगा, तो हमको इतना जो है इसमें माइनस करना है। ऐसे देखिए आ रहा है 15.25, और यहाँ पर जितना सिलाई में जाएगा देखिए इतना यहाँ से सिलाई में चला जाएगा ये। तो ये 15.25 को उठा के हमको इस पर रख लेंगे, और इसके बाद हम जो है ये 35.5 इंच देखिए हमारा सीना है, तो 35.5 का आधा करेंगे 17.5 इंच आएगा। यहाँ पर भी 3 सूत हम और लेंगे, तो 18 इंच एक सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया, देखिए ये हमारा फाइनल हो गया। इसी तरह से हम पेट का निशान देखिए लगाएंगे। दोस्तों पहले हम पॉकेट का देखिए निशान लगा देते हैं, तब आपको हम बताते हैं। ये हो गया, और ये निशान ये हो गया। दोस्तों देखिए ये जो हमारी जो डांट पड़ेगी, इसमें भी 2 सूत इधर और 2 सूत इधर, ये भी दबेगा, ये भी कम होता है इतना ऐसे, तो 0.5 इंच इसमें दब जाएगा, 0.5 इंच यहाँ दबेगा, यहाँ का मार्जिन, यहाँ की इसमें की मार्जिन और इधर की मार्जिन, ये सारी मार्जिन को लेते हुए ही हमको जो है निशान को जो लगाना है 1.5 इंच जो है हमारी ये टोटल जो है लूजिंग रहेगी। दोस्तों देखिए ये बैग का पेट देखिए ये आगे से इतना हम सिलाई का हम छोड़ देंगे, तो देखिए ये 6.25 इंच आ रहा है, 6.25 इंच ये सीधे वाले निशान देखिए है बैक का, 6.25 इंच आ रहा है। ये 6.25 इंच को हम ये 1.5 इंच जो हम निशान लगाए हैं इस पे हम टेप को रखेंगे, 6.65 को हम ये 1.5 इंच वाले निशान पे हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रख के यहाँ लेकर आएंगे, और जितना इसमें सिलाई में जाएगा इधर जाएगा और इधर जाएगा, इसको हम ऐसे रख के इधर का जो सिलाई में जाएगा 35.5 है, 16 × 32 33, 35.5 इधर जाएगा, 3 सूत इधर जाएगा और 0.5 इंच इधर जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाले निशान पे देखिए 2 सूत इधर दबेगा, 2 सूत इधर दबेगा, ये डाट ही पड़ेगी ऐसे, और ये वाले निशान पे जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर सिलाई देखिए यहाँ आएगी, और ये वाली डाट, ये वाले निशान पे हम कटिंग करेंगे तो सिलाई देखिए यहाँ आएगी, और हम जब ये निशान लगाएंगे तो इसकी सिलाई देखिए यहाँ आएगी। तो वैसे रख के हम नाप लेंगे, इसी तरीके से हम हिप को भी जो है नाप के जो है निशान लगा देंगे। हिप देखिए 6.5 इंच में एक सूत कम आ रही है, तो 6.5 इंच में एक सूत कम को हमको जो है ये 2.25 इंच वाले निशान पे देखिए ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे रख के। अब हमको देखिए यहाँ पर जितना सिलाई में जाएगा इधर और जितना जाएगा इधर, इतना पे हमको इसे रख के इंची टेप को आगे बढ़ा लेंगे। 36.5 ये हो गया। अब दोस्तों हम सारा निशान देखिए मिला लेते हैं, इसको देखिए ऐसे मिलाएंगे ऐसे, और ये देखिए है, तो इसको हम ऐसे
दोस्तों देखिए ये निशान ये लग गया है। अब जितना हमारा जो है ये 300 जो हमने ये यहाँ जो निकलेगा तो 300 को जो है हमको यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा लेना है। अब दोस्तों हम चौक का देखिए निशान लगा देते हैं। चौक का निशान देखिए 7 इंच पे रहेगा तो ये 7 इंच हो गया। यहाँ पर भी हम ऐसे दाब रख देंगे। यहाँ हम राउंड कर देंगे। नीचे 1.25 इंच का दाब हम यहाँ रख देंगे। 1.25 इंच हो गया। यहाँ पर भी 1.25 इंच हो गया। अब हम इसको भी मिला लेंगे। दोस्तों निशान देखिए ये पूरा लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों फ्रेंड की कटिंग देखिए ये हो गई है। कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।